शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे सावन का मौसम पसंद ना हो। कई लोग तो सावन के महीने में भीगना पसंद करते हैं, लेकिन कैसा हो अगर आसमान से पानी की जगह खून गिरने लगे? वाकई में काफी हैरान करने वाली बात होगी, लेकिन एक जगह पर ऐसा हुआ है। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको उस पर यकीन करना मुश्किल होगा। अरबी देशों से सटा हुआ सहारा मरुस्थल इटली और खाड़ी के कई देशों के साथ मिला हुआ है। इस मरुस्थल के भूमध्य सागर से सिरको नामक हवा निकलती है। इस हवा के कारण इटली में लाल रंग की बरसात हुई। रंग के कारण इसे इटली में खून की बारिश कहा गया। इटली में इस हवा को सिरोको नाम से जाना जाता है। मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनिसिया में चिली और स्पेन में लेवेक के नाम से पुकारा जाता है। ये हवा सहारा के रेगिस्तान से उत्तर की ओर चलकर इटली, स्पेन सहित कई देशों में प्रवेश करती है। इससे पहले भी कई बार अजीबोगरीब बरसात के बारे में सुना गया है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि एक जगह किताबों की बाढ़ आ गई। दुनिया भर में रोजाना कुछ न कुछ ऐसा अनोखा जरूर घटित होता है जो लोगों को हैरान कर देगा। इटली की ये खून की बारिश प्रकृति का एक रहस्य है जिसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति की माया के आगे इंसान और वैज्ञानिक दोनों असहाय हैं। प्रकृति द्वारा जो होता है उसे कोई बदल नहीं सकता और इटली की ये बारिश भी उसी का प्रमाण है। ये थी खून की बारिश। प्रकृति द्वारा बनने वाली इस हवा के कारण इटली में बारिश का रंग लाल हो गया, जिसे बदलने के लिए वैज्ञानिक भी कुछ नहीं कर सके।